Hey guys, welcome to my channel. एक महाभयंकर जॉम्बी गेम के अंदर आपका स्वागत है जिसका नाम है 7 Days to Die। और इस गेम की बेसिक सी कहानी बस इतनी सी है कि भाई जॉम्बी वायरस की वजह से दुनिया खत्म हो चुकी है और हमारे पास इस गेम के अंदर है सिर्फ 7 दिन मरने के लिए या फिर जीने के लिए। लेकिन उन 7 दिन के अंदर हम कैसे सर्वाइव करेंगे ये देखना होगा। और ये गेम की कहानी और गेम प्ले और ग्राफिक्स वगैरह काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और देखने में मजेदार है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के भाई मैं जल्दी से न्यू गेम पे क्लिक कर देता हूँ। बेसिक जो चीजें हैं मैंने फटाफट से ऑलरेडी देख ली है, आपको दिखा के मैं बोर नहीं करूंगा। बस भाई अपने वर्ल्ड का नाम मैं SHIKARI शिकारी डाल देता हूँ जो कि भाई हमारा लकी नाम है और स्टार्ट कर देते हैं। तो ऑलराइट गाइस, हमारा प्लेयर भाई स्पॉन हो चुका है इस ज़ॉम्बी की दुनिया में और पीछे भाई उजड़ा हुआ जंगल है, सामने एक ब्यूटीफुल सा घर है और पंछियों की आवाज़ आ रही है। लेकिन एक सेकंड भाई, इधर ना मेरे को ज़ॉम्बी तो अभी तक नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन यहाँ पे ना भाई काफ़ी ज़्यादा गाड़ी देखो भाई कितनी ज़्यादा खटारा है। मतलब भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है ज़ॉम्बी आउटब्रेक को, लोग भाई सामान पैक कर कर आके जा रहे थे यहाँ से, लेकिन इनकी गाड़ियों की हालत देखो। और देखना ये होगा कि भाई हम इस गेम में सर्वाइव कर पाते या फिर नहीं। फिलहाल भाई ऊपर देख सकते हो टाइमर चल रहा है, Day 1 है, टाइम हो रहा है सुबह के 7:15 बज रहे हैं। और कुछ ना भाई मेरे पास जीने के लिए चीज़ें हैं, जैसे कि 2 वाटर बोतल हैं, एक मेरे पास खाने का कुछ है, एक बैंडेज है, एक भाई मेरे पास मशाल है जिससे शायद ज़ॉम्बीज़ को मैं मार सकता हूँ, पर एक लाइटर है जिसकी मदद से शायद हम इस गेम में सर्वाइव करेंगे। बाकी ठीक है, मेरे को ना ओपन गाइड दी हुई है, मैं देख लेता हूँ मुझे क्या करना है। पहले भाई मुझे Y दबाना है, ठीक है। और ये शायद भाई सर्वाइवल की कुछ चीज़ें हैं, तो आप इन सबको देखे घबराना मत, मैं बहुत जल्दी इनको वो कर दूंगा, क्या बोलते हैं, ईजी कर दूंगा। फिलहाल तो मैं इसको इक्विप कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको हटा देता हूँ भाई, कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। और मुझे ना भाई राइट साइड के कॉर्नर में कुछ टास्क दिए हुए हैं, जैसे कि 10 मुझे प्लांट के फाइबर इकट्ठे करने हैं, 10 वुड इकट्ठी करनी है और 5 मुझे पत्थर इकट्ठे करने हैं। लेकिन उससे पहले मेरे पास ना कुछ भी नहीं है, तो भाई ऐसा कर दूँ पहले ना मैं जो जो चीज़ें मुझे दी हुई है मैं इकट्ठी कर लेता हूँ। और ओ मुझे बस मुक्का मार के इकट्ठी करनी है भाई, जैसे कि आर्क सर्वाइवल में होता है, ये तो काफ़ी ईजी है। तो फाइबर तो हमारी बहुत जल्दी इकट्ठी हो चुकी है, साथ ही वुड भी इकट्ठी हो रही है भाई, ठीक है। तो मैं वुड भी ऐसे ही इकट्ठी नहीं, यार वुड ना बहुत ज़्यादा स्लो इकट्ठी हो रही है। और इससे मेरे को लोहा मिल जाएगा क्या? ओह ठीक है भाई, लोहा मिल सकता है, इसको तोड़ूंगा तो मैं, लेकिन अभी इसको नहीं तोड़ रहे। फिलहाल मैं पत्थर नहीं पेड़ तोड़ के काम चला लेता हूँ। और मुझे वुड मिल रही है लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्लो मिल रही है, तो एक सेकंड में इन टहनियों को तोड़ के शायद, हाँ ठीक है भाई, इनसे जल्दी मुझे वुड मिल रही है। तो वुड का काम हो गया, फाइबर का काम हो गया, अब मुझे पत्थर इकट्ठे करने हैं छोटे वाले, देख लेता हूँ। अभी ना मैप में शायद निशान आ तो रहा था भाई चीज़ों का, लेकिन मैंने देखो आ गया फिर से, तो यहाँ से मैं इनको पिक कर लेता हूँ। मुझे सिर्फ 5 पत्थर इकट्ठे करने हैं, ये तो भाई बहुत ज़्यादा आसान है। अभी ना बस गेम की शुरुआत है, तो ये ट्यूटोरियल टाइप की चीज़ें चल रही हैं, इसलिए हमें दिखा रहे हैं, बाकी का जो भी काम होगा ना भाई हमें खुद से ही करना होगा। तो ठीक है भाई, यहाँ पे कुछ पत्थर पड़े हुए हैं एक्स्ट्रा, और फाइबर भी मैं खुद से कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि बाद में मुझे करनी तो होगी, ठीक है। तो मेरा अगला टास्क है, मुझे अपनी क्राफ्टिंग मेन्यू में जाना है और चीज़ों को क्राफ्ट करना है। और पहली चीज़ होने वाली स्टोन की एक्स, दूसरी है बेड रोल जो कि आई थिंक बेड है, तीसरा है बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं सर्वाइवल के लिए, जैसे कि धनुष है, ये स्टोन का स्पीयर है वगैरह वगैरह। लेकिन पहले मुझे ये स्टोन की एक्स बनानी है, कुल्हाड़ी, और इसको बनाने के लिए सिर्फ मुझे W दबाना है और ये हमारी क्राफ्ट हो चुकी है, ठीक है। इसको मैं एक नंबर पर रख लेता हूँ और इन सब चीज़ों को ना भाई मैं साइड कर देता हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और क्विक स्लॉट में रखने लायक भी नहीं है, ठीक है। जो जो चीज़ें बनेंगी ना भाई हम उनको ऐसे रखेंगे, जैसे कि धनुष वगैरह होगा। और फिलहाल भाई मेरा अगला टास्क आ चुका है, मुझे 10 वुड चाहिए फिर से, तो वुड का तो काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा क्योंकि पिकैक्स बन चुकी है। और एक सेकेंड, अभी तक कोई ज़ॉम्बी दिखा तो नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये एरिया सेफ है, यहाँ पर कभी भी हमला हो सकता है। तो मुझे ना भाई कुछ जल्दी जल्दी करना चाहिए। हार्वेस्ट स्मॉल स्टोन हार्वेस्ट करने के लिए बोला है ना, तो एक सेकंड, यहाँ पे ये क्या पड़ा हुआ है भाई, ये चिड़िया का घोंसला है भाई, इसको भी मैं, ओ इससे मुझे फेदर मिल रहे हैं, पंख मिल रहे हैं, शायद इससे मैं कुछ बना पाऊंगा आगे चल के। फिलहाल तो ओ एक और पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो ठीक है भाई बेसिक सर्वाइवल की यही नीड है, जो जो चीज़ें मिल रही है लेते चलो, ठीक है। तो यहाँ पे ना भाई मुझे कोई बड़ा सा पत्थर चाहिए होगा जिसको शायद मैं तोड़ के, हाँ ठीक है, इसको तोड़ के मैं और छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे कर सकता हूँ। और इसी के साथ भाई मेरा पत्थर वाला टास्क भी कम्प्लीट हो चुका है। मुझे क्या बनाना है अब, एक आर्मर बनाना है मुझे, ठीक है। आर्मर बनाने के लिए मुझे जाना होगा, कुछ चीज़ें दी हुई है, जैसे कि ये हमारे औजार हैं, ये घर है, ये
आर्मरी है, वेपन्स हैं इसके अंदर, इसके अंदर टूल्स हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। इसके अंदर मुझे कपड़े बनाने हैं, प्रिमिटिव आउटफिट। इसको बनाने के लिए मुझे सिर्फ W दबाना है और ये बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। तो इसको मैं इक्विप कर लेता हूँ, अपने इस प्लेयर को पहना देता हूँ। ये भाई मेरा प्लेयर है, थोड़ा ज़्यादा डेंजर जैसा लग रहा है, लेकिन ये हमारा काफ़ी ज़्यादा खास बंदा है। और अब भाई मुझे बनाना है वुडन का क्लब। यार मेरा मन कर रहा है किसी ज़ॉम्बी से फाइट करूं, लेकिन भाई अभी ना ट्यूटोरियल कंप्लीट करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको बना लेते हैं हम। ये शायद हथियार है भाई, ठीक है, बढ़िया हथियार बनवा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे एक बो बनाना भाई, धनुष बनाना, ठीक है, इसको भी बना लेता हूँ। ऑल राइट, ये भी बन के रेडी हो चुका है, तो इसको भी मैं चलो यहाँ रख देता हूँ। अब मुझे एरो भी बना लेने चाहिए, और एरो भी बन चुके हैं, बढ़िया। इसको भी मैं ऐसा कर, इसको तो मुझे रखने की जरूरत नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ यही रख देता हूँ, ठीक है। और धनुष का काम है, एक सेकंड भाई, लेकिन मैं इसको कैंसिल कैसे करूं? ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया। और यहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो शायद मैं इनसे भी चीज़ें, ओह ट्रैश पड़ा हुआ है इधर, इधर काफ़ी चीज़ें, जैसे कि क्या है भाई, ये कोबल स्टोर है, तो इनको ना मैं नीचे जमाता जाता हूँ, यहाँ पर रख देते हैं। ये स्टोन है, तो स्टोन को तो स्टोन में रख देते हैं। और ये क्या चीज़ है, ये सीड है भाई, मतलब हम शायद खुद की हार्वेस्टिंग वगैरह भी कर पाएंगे, ठीक है भाई। ये काफ़ी ज़्यादा एरिया है मेरे पास चीज़ों को उठाने के लिए। फिलहाल ना मेरे पास एक और नया टास्क आ चुका है, होल्ड टैब टू ओपन द रेडियल मेनू, ठीक है। सेलेक्ट द चैलेंजेस आइकन, कौन सा भाई ये है, एक सेकंड यार, इधर ना कुछ ज़्यादा ही रोशनी है, इधर देखते हैं। ये है कैरेक्टर, ये है मैप, ये है स्किल्स, ये है क्वेस्ट। इसके अंदर भाई हमें वो मिलेंगी, क्या बोलते हैं, पहेलियाँ टाइप। ये प्लेयर्स हैं और ये चैलेंजेस है, ठीक है, मुझे यही ओपन करना है। और ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें मैंने बना लिए ना, तो इनके मुझे शायद पॉइंट्स मिल जाएंगे, मैं इनको रिडीम कर लेता हूँ। ऑल राइट, ठीक है भाई, ये मैंने सारे के सारे इकट्ठे कर लिए ना, तो अब मुझे और भी ज़्यादा भाई खुल चुके हैं। लेकिन एक सेकेंड, मेरे को ना नया टारगेट मिल चुका है, मुझे 243 मीटर दूर एक कैंप की लोकेशन मिल चुकी है, मुझे वहाँ जाना है पहले, ठीक है भाई। रास्ते में कोई ज़ॉम्बी वगैरह दिखेगा ना, तो मैं उसकी खोपड़ी इससे खोल सकता हूँ। और इसके अलावा ना भाई मेरे पास एक धनुष भी है, ठीक है भाई, तो मैं ना थोड़ा सा सेफ फील कर रहा हूँ फिलहाल तो। और बीच में थोड़े बहुत रिसोर्सेज भी मिल सकते हैं मुझे, जैसे कि यहाँ पे ये मेरे को पेड़ दिख गया, तो मैं थोड़ी बहुत लकड़ियाँ वगैरह भी इकट्ठा करता चलूँगा, और पत्थर वगैरह भी इकट्ठा कर लेता हूँ। मेरे पास ना सिर्फ एक ही एरो है ना, तो मैं ऐसा करता हूँ कुछ ना वेपन्स और बना लेता हूँ, जैसे कि ये वाले एरो मैं और बना लेता हूँ। और एक मेरे पास ऑलरेडी नहीं यार, एक भी नहीं है, तो एक और बना लेता हूँ, चलो ठीक है, पांच, ठीक है भाई, पांच हो चुके हैं, बढ़िया। पांच से मेरा अच्छा खासा काम चल जाएगा। 100 मीटर दूरी लोकेशन रह गई है। लेफ्ट साइड में ना भाई आपको ब्लू कलर में मेरा स्टेमिना दिख रहा होगा, रेड कलर में मेरी हेल्थ है, और ओके सामने ना भाई एक मेरे को बेस दिख चुका है यार, ये काफी ज्यादा तगड़ा बेस है यार। इसके अंदर ज़ॉम्बीज तो आई थिंक नहीं एंटर कर पाएंगे, लेकिन मैं एंटर कर सकता हूँ, गेट को लगा देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर भाई मुझे शायद कोई तो मिलने वाला है, ओपन ओपन है भाई ये, और इसका नाम है रैक्ट फीड्स। ओके देख लेते भाई इसके अंदर कोई इंसान हमें मिल जाए, ठीक है भाई, मैं बियर जूस वगैरह खरीद सक, लेकिन इसके लिए ना भाई पॉइंट्स वगैरह चाहिए होंगे। फिलहाल ना भाई फालतू की चीजों पे ध्यान नहीं देते, इस बंदे से बात करते हैं, ये जिंदा बंदा भाई। प्रेस ई टू टॉक। नोवा सेंट यू, वेल यू आर गोइंग टू हैव टू शो अस योर कैपेबिलिटीज, टेक दिस शोवल एंड एक्सेप्ट योर फर्स्ट क्वेस्ट। ठीक है भाई, हम इसके शोवल को ले लेते हैं। मतलब इसने मेरे को शायद कोई मिशन दिया है और बोला है कि तुम यहाँ पे आ चुके हो, तो अपनी भाई कैपेबिलिटीज दिखाओ। और ठीक है भाई, हमें ये कुछ औजार दे रहा है, लेकिन अपना काम करवाएगा। मे आई सी योर इन्वेंटरी, गेट एनी स्पेशल जॉब्स, नेवर माइंड। मैं ठीक है अभी फिलहाल के लिए मैं इसका कोई काम नहीं करने वाला। क्राफ्ट लैंड क्लेम ब्लॉक। ओके, तो मुझे एक ब्लॉक बनाना होगा शायद कोई, जिससे मैं लैंड को क्लेम कर सकूं। तो ठीक है भाई, इन्वेंटरी में हम जाते हैं और बिल्डिंग के अंदर जाके हैं, लैंड क्लेम ब्लॉक मुझे बनाना है, जो कि भाई मेरा बन के रेडी हो चुका है, बढ़िया। इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ इन्वेंटरी में, और इसको मुझे कहीं तो रखना होगा। ये मेरा लैंड क्लेमिंग ब्लॉक है ना, तो मैं इसको चलो इधर यार ऐसी जगह पर रखता हूँ जिससे मैं इसको बाद में यूज़ कर सकूँ, यहाँ रख देते हैं, ठीक है। एक सेकंड भाई, इसको रखने के लिए मुझे शायद इस वाले बेस से ना बाहर जाना होगा, क्योंकि बेस के अंदर रखने में कोई मतलब ही नहीं है। और एक सेकंड भाई, इसका रेड रेड हो रहा है। ऑलराइट गाइस, कैंप के अंदर तो भाई नहीं रख पा रहे थे, तो मुझे कुछ ऐसी जगह पे इसको रखना पड़ेगा जहाँ पे भाई मैं अपने लैंड को क्लेम कर सकूँ, मतलब अपना बेस टाइप की कोई चीज़ बना सकूँ। तो मैं ना पहले ऐसा करता हूँ, कोई सपाट सी जगह देख लेता हूँ, वहाँ पे भाई मैं अपना बेस बनाऊँगा। आई थिंक ये वाली जगह भाई, यहाँ पर मेरे को ज़ॉम्बी की आवाज़ क्यों आ रही है? अरे यार ये देखो भाई, पहला ज़ॉम्बी दिखाया मैं तब से, और ये नीचे रेंगने लग रहा है। छोड़ो भाई, इसके ऊपर भी ध्यान नहीं देते, मुझे बेस की लोकेशन, ओ यहाँ पे नहीं, उस पार जाके मैं देखता हूँ बनाने के लिए, या फिर चलो कहीं भी बना सकते हैं ना हम, इधर ही रख लेते हैं।
ठीक है भाई, ये हमारा बन चुका है बेस, और इसको शायद हम यूज़ भी कर सकते हैं, प्रेस ई टू यूज़। लेकिन उससे पहले भाई मैं ऐसा करता हूँ, इस जॉम्बी वाले का खेल ख़त्म कर देता हूँ। और आजा बेटा आजा, निकल निकल भाई। इसको मारने में ना थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नीचे रेंगने लग रहा है। इसका काम ख़त्म करता हूँ मैं अपने बो से, हेडशॉट। ओ भाई मरा नहीं, एक में गया। ठीक है भाई, एरो मैं शायद इसे कलेक्ट कर सकता हूँ। एक सेकंड, ऑप्शन तो भी आ रहा था लेकिन पता नहीं, छोड़ो। क्राफ्ट ए बेड रोल। तो अब ना मुझे भाई एक बेड बनाना है, तो ठीक है टैब में जाता हूँ और इसको बना लेते हैं फटाफट से। इसकी तो भाई सही में ज़रूरत थी मुझे, इसको यहाँ रखते हैं और इसको ना मैं इधर कहीं बिछा लेता हूँ। चलो यहाँ पे बिछा लेते हैं। प्रेस ई टू पिकअप, नहीं मुझे पिकअप नहीं करना। क्राफ्ट ए बिल्डिंग ब्लॉक। अब मुझे एक बिल्डिंग ब्लॉक भी बनाना भाई, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनानी है। लेकिन ठीक है यार, अभी ना गेम शुरुआत ही है तो मैं थोड़ा बहुत तो यूज़ में आ सकता हूँ। और अब ना मुझे इसके साइड बाई साइड कुछ बनाना होगा, तो देख लेता हूँ मुझे। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे इसके लगा सकता हूँ। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और अब मुझे फिर से वुड इकट्ठी करनी है। ठीक है भाई, वुड इकट्ठी करना तो ईजी है, मेरे पास एक्स है। और अब मेरा अगला टास्क है कि भाई मैं ना इसको अपग्रेड कर सकता हूँ, बिल्डिंग ब्लॉक को वुडन ब्लॉक से। बस मुझे ऐसे होल्ड करना है इसके ऊपर। ठीक है भाई, ये काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हो चुका है, और अपग्रेड कर सकता हूँ, पत्थर का भी बन चुका है ये, बढ़िया। क्राफ्ट वुड डोर। अरे यार, एक तो भाई सही बताऊँ ना, इस जगह पे मुझे अपना बेस नहीं बनाना था, लेकिन अब बन चुका है तो थोड़े बहुत टाइम के लिए हम यहीं रहने वाले हैं। फिलहाल ना मुझे एक डोर भी बनाना होगा, तो डोर के लिए तो ईजी है। और इसको भी मैं लगा देता हूँ इसके बाजू में कुछ ऐसे। ठीक है भाई, काफ़ी मस्त। एक छोटा सा हम यहाँ पे रूम टाइप बना लेंगे, यही हमारा बेस होगा। फिर से भाई मुझे लकड़ी इकट्ठी करनी है। ठीक है, छोटे मोटे टास्क हैं, इनको तो हम कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से। अब ना भाई मुझे बनानी है एक स्टोरेज चेस्ट। ठीक है भाई, ये थोड़ी काम की चीज होगी और इसको बनने में थोड़ा टाइम भी लगेगा। और ये बन के रेडी हो चुकी है, और इसको भी भाई मुझे अपने बेस के अंदर ही रखना है, नॉर्मल सी बात है। तो स्टोरेज है तो इसको अपने सर के ऊपर ही रख लेते हैं यहाँ पे, बढ़िया। और इसको मैं यूज भी कर सकता हूँ, इसके अंदर हम चीजें रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये आयरन है मेरे पास 32, और आयरन से मैं कुछ बना सकता हूँ क्या? एक सेकंड में देख लेता हूँ। मुझे जाना है टूल्स के अंदर, आर्मरी नहीं यार, मुझे टूल्स के अंदर जाना है। स्टोन नहीं, स्टोन क्रॉसबोल्ड नहीं, वुडन वुडन आयरन एरो मैं इसको बना सकता हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए आयरन एरो हेड फीदर वुड, नहीं यार इसको तो नहीं बना सकते। नकल ब्रैप, इसके लिए लेदर चाहिए, आयरन तो है मेरे पास। इससे ना शायद हम मुक्के मार सकते हैं, बढ़िया। एक आयरन का पाइप बना सकता हूँ, इसके लिए मेरे को पाइप चाहिए, लेदर चाहिए, ये भी नहीं है। ओ मशीन गन बना सकता हूँ भाई, इसके लिए मेरे को ग्लू चाहिए, वुड चाहिए और चार पाइप चाहिए। ठीक है यार, ये सब चीज़ें तो नहीं है, तो थोड़ा बहुत हमें माइनिंग पे भी निकलना होगा। फिलहाल तो टॉर्च को होल्ड करने के लिए बोल रहा है, और इसको ना हम वॉल पे प्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये प्लेस हो चुकी है, यही मेरा टास्क था। लेकिन मुझे ना भाई एक टॉर्च और बना लेनी चाहिए अपने लिए। टॉर्च बनाने के लिए भाई मुझे कहाँ जाना होगा? टूल्स के अंदर टॉर्च 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 तो यहाँ भी नहीं है। ओह, लेकिन यहाँ पे भाई आयरन की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं भाई, लेकिन अभी शायद मैं इनको नहीं बना पाऊंगा। फिलहाल मैं टॉर्च, हाँ ठीक है, इसको बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा एनिमल फैट। यार एनिमल फैट के लिए मुझे एनिमल मरना होगा, लेकिन यार फिर से लकड़ी इकट्ठी करो, बहुत ही ज्यादा बोरिंग टास्क मिल रहा है, अभी गेम की शुरुआत है इसलिए। तो थोड़ा भाई बने रहना, वीडियो स्किप कर सकते हो भाई अगर बोर हो जाओ तो, लेकिन पूरी जरूर देख ला। बाकी भाई वीडियो को लाइक भी कर देना। बाकी ठीक है, क्राफ्ट वुड स्पाइक ट्रैप। यार ये सारी चीजें भाई मेरे से ही करवाएगा क्या अभी? ऐसा करता हूँ भाई, मैं ना इसकी चीजों पे अभी थोड़ा नजरअंदाज करके मैं थोड़ा सा स्कैवेंजिंग पे चला जाता हूँ। अभी ना भाई रात का टाइम हो रहा है, नहीं रात का टाइम नहीं, अभी 1:30 बज रहा है दोपहर का। और इधर से भी मेरे को लकड़ी मिल रही है शायद। ठीक है भाई, बढ़िया, लकड़ी की कोई कमी नहीं है इस जंगल में, पूरा जंगल उजड़ा हुआ है भाई। यहाँ पे एक गाड़ी पड़ी हुई है, इसके अंदर मुझे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इधर मैप देख लेता हूँ, मेरा ठिकाना, ये मेरा बेड है, तो ठीक है मैं खोऊंगा तो नहीं, मैं इसको मार्क कर सकता हूँ शायद, नहीं मार्क नहीं कर सकते, लेकिन मैं जा सकता हूँ वहाँ तक। सामने भाई एक और गाड़ी खड़ी हुई है, तो ठीक है पहले हम इसको लूटेंगे, इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ चीज़ें तो मिल ही जाएंगी। अभी ना भाई खाने पीने की चीज़ें भी मुझे इकट्ठी करनी पड़ेंगी, वरना भाई हम ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। सामने से एक ज़ॉम्बी भी आ रहा है, ये क्या चीज़ है? सीड, सीड को तो मैं नीचे जमाऊँगा। स्प्रिंग, ठीक है भाई स्प्रिंग को यहाँ रख देते हैं। बैग के अंदर मेरे को दवाइयाँ, ठीक है भाई दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, ये खाने पीने की चीज़ें हैं, इनको मैं इधर जमाता हूँ। ये है क्ले, मिट्टी है, मिट्टी को इधर जमा लेते हैं, मिट्टी का कुछ तो काम ही होगा, मिल रही है तो। बाकी यहाँ पे तो कुछ नहीं है, चलो बढ़िया भाई। लकड़ियाँ और पत्थर जितने मिल रहे हैं उतने कम है,
और सामने ना एक जोम्बी है, लेकिन मैं कोई और तगड़ा वेपन, भाई यहाँ पे एक से ज्यादा जोम्बी है, मैं थोड़ा सा पीछे हटता हूँ पहले, तो मुझे कोई और तगड़ा वेपन चाहिए होगा। एक सेकंड, मैं जाता हूँ टूल्स के अंदर जाते हैं और इधर आयरन स्लेज हैमर, इसको बनाने के लिए नहीं यार, इसको नहीं बना सकता अभी मैं, लेकिन कोई और इसको बना सकता हूँ शायद मैं। ठीक है भाई, इसको बनने के लिए यू डोंट हैव नेसेसरी रिसोर्सेज, इसके लिए मुझे क्या चाहिए भाई? फाइबर, मेरे पास फाइबर नहीं है। कोई नहीं भाई, फाइबर तो मुझे झाड़ियों में मिल जाती है आसानी से। थोड़ा जंगल के अंदर चल लेते हैं। ये जंगल ना भाई पूरा ही उजड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये किसी का घर है, आग लग गई हो बहुत टाइम पहले। और ये ज़ॉम्बी जिंदा तो नहीं हो जाएगा? ठीक है, निकलो निकलो निकलो, मुझे फाइबर चाहिए तो मुझे हरियाली की तरफ जाना होगा। यहाँ पे मुझे अच्छी खासी फाइबर मिल जाएगी। ठीक है भाई, फाइबर इकट्ठी हो चुकी है अच्छी खासी। अब मुझे जाना है उस हैमर की तलाश में। वो हैमर मुझे कहाँ दिखा था? ये रहा। ठीक है, इसको बना लेता हूँ भाई, ये तो मेरे यूज में आने वाला है बहुत ज्यादा। ठीक है भाई, स्लेज हैमर बनके रेडी हो चुका है और इसको भाई ये कितना ज्यादा बड़ा भाई, एक ही बार में ये तो खोपड़ी खोल देगा ज़ॉम्बी की। फिलहाल 11 रैंक है। और निकल वे निकल वे निकल निकल, यार ये काफी मरने का नाम ही नहीं ले रहे भाई। इसको हेडशॉट मारता हूँ, एक सेकंड भाई, इसने मेरे को चोट पहुंचा दी, मर गया फाइनली भाई, बहुत ज्यादा मारने के बाद मरा ये। ठीक है भाई, सामने ना जंगल में एक मेरे को मुर्गी दिख चुकी है, तो मुर्गी का शिकार करने का मेरा मन हो गया है। और निकल, बढ़िया भाई, तगड़ा निशाना। और मुर्गी को कलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, एक सेकंड। ठीक है, इसका मीट कलेक्ट करने के लिए भी मुझे इसको मारना होगा ऐसे। और बढ़िया भाई बढ़िया। इधर से ना मैं सोच रहा हूँ भाई, अपने बेस का सामान उठा के ना मैं कोई अच्छी सी जगह पे निकल लेता हूँ, क्योंकि भाई ये बेस बनाने के लिए यार ऐसी घटिया सी जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही। तो जितना हो सकता है उतना मैं सामान उठाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद हम नहीं यार, क्राफ्टिंग टेबल को तो शायद मैं नहीं उठा पाऊंगा, लेकिन मैं इसको तोड़ सकता हूँ। इसको भी नहीं उठा सकता क्या मैं? हो गया भाई ये, बढ़िया। तो मैं इसको नई जगह पे बनाऊंगा। ठीक है यार, डोर वगैरह को तोड़ने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत जाएगी, इसको भी तोड़ने में मेहनत जाएगी। ठीक है, इसको उठा लेता हूँ और इसको नहीं उठा सकता मैं। ठीक है, तो ठीक है, ये चीज़ों को तो इधर ही पड़े रहने देते हैं और मैं कोई अच्छी सी जगह पे जाके अपना बेस बनाने वाला हूँ फिर से नया। एक सेकंड भाई, ये देखो कितना तगड़ा ज़ॉम्बी है, और इसको तो हेडशॉट पड़ना ही चाहिए। और आजा बेटा निकल भाई, एक दो में मरते क्यों नहीं है ये? एमओ खत्म, मर गया भाई, बहुत ही मुश्किल से गिरा था, मरा नहीं है। ठीक है भाई, फाइनली मर चुका है। इससे एरोज भी मैंने कलेक्ट कर लिए हैं, एक बार देख लेता हूँ। एरोज 3 ही कलेक्ट हुए। ठीक है, और मैं ना जगह ढूंढ रहा हूँ अपने बेस को बनाने के लिए। आई थिंक मुझे ना ये वाली जगह ज़्यादा सही लग रही है, तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक फिर से बनाने की। रखना भी इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा ओपन जगह चाहिए होती है। यहाँ पे शायद मैं इसको रख सकता हूँ। और ये वाला एरिया ठीक तो है, लेकिन भाई सपाट नहीं है, मुझे सपाट जगह चाहिए, एकदम समतल। तो मेरे ख्याल से ना भाई यही जगह आई थिंक ठीक है, क्योंकि इसको रख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये वाला बेस इसके बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, और पहले वाली जगह से तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो ठीक है, कुछ ब्लॉक्स मैं बना लेता हूँ अपने लिए। और इनको ना भाई हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, तो ऐसा करता हूँ इसके आजू बाजू में ही प्लेस करना शुरू कर देता हूँ। थोड़ी फट्टी हो चुकी है, तो पहले भाई बहुत सारे ब्लॉक बना लेते हैं। वुड ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक, इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर तो काफ़ी है, लेकिन मैं बनाता जाता हूँ, बहुत ज़्यादा बना लेता हूँ, क्योंकि लकड़ी की कमी नहीं है बहुत ज़्यादा मेरे पास। ठीक है भाई, आई थिंक इतने काफ़ी होंगे। मैंने 70 ब्लॉक बना लिए हैं, और 70 से तो भाई अच्छी खासी हमारी जगह बन के रेडी हो जाएगी। थोड़ा सा मैं ऐसा करता हूँ और एक्सपेंड कर देता हूँ इसको, आई थिंक इतना काफ़ी होगा। ठीक है भाई, बढ़िया, काफ़ी ज़्यादा मस्त। और यहाँ पे ना मुझे एक वुडन का डोर भी लगाना होगा इधर, इसको पहले बना लेते हैं। और इसको मैं प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे, बढ़िया, एक ब्लॉक में और लगा देता हूँ इधर। ठीक है भाई, काफ़ी ज़्यादा जल्दी मेरे ब्लॉक ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, बढ़िया, और इस वाली दीवार को भी कम्प्लीट कर लेते हैं। अभी ना भाई स्ट्रक्चर बन रहा है, मुझे पता नहीं ये काम करेगा या फिर नहीं, इतनी जल्दी इतना तगड़ा बेस बनाने का आइडिया मेरा सूट होगा या फिर नहीं। बाकी पहले तो अब ठीक है, इतना ही बनाने वाला हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। और अब भाई मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है भाई, अब हमारे पास खुद का बेस है ना, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फीलिंग आ रही है। और एक सेकेंड यार, इसको मैं रिमूव नहीं कर सकता क्या? ओह, पिकअप
ब्लॉक। ठीक है भाई, इनको उठाना इतना इजी है क्या? एक सेकंड, इसको उठा लेता हूँ और यहाँ पे इसको लगा देते हैं। ठीक है, इसको भी उठा लेता हूँ। ठीक है, ये ना अभी भाई बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब कमजोर है। इनको मुझे मजबूत करने के लिए ना थोड़ा सा ऐसे लकड़ी का रूप देना पड़ेगा, तभी भाई ये मजबूत होंगे। ये देखो ऐसे, जिसमें भाई मेरी काफ़ी ज़्यादा वुड खर्च होने वाली है, लेकिन कोई नहीं भाई, हम बना लेंगे इसको, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और अब भाई मुझे बनाना होगा ट्रैप्स, तो ट्रैप बनाने के लिए भाई मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाना है। इससे ना भाई मेरा घर ना थोड़ा प्रोटेक्ट रहेगा, तो इनको मैं अपने घर के ऐसे लगा सकता हूँ। बढ़िया भाई, काफ़ी ज़्यादा मस्त। और अब शायद आई थिंक भाई ट्यूटोरियल वगैरह ना ख़त्म हो चुके हैं, अब से हम इस गेम के अंदर खुद के सहारे हैं, अब से हमें शायद कोई भी ट्यूटोरियल वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और यार ये बेस थोड़ा गंदा सा नहीं लग रहा, मतलब थोड़ा अजीब सा ही लग रहा है, लेकिन ठीक है भाई, काफ़ी ज़्यादा मेरे को ठीक लग रहा है ये। अभी शुरुआत के हिसाब से हम इसको यूज़ कर लेंगे बाद में। फ़िलहाल तो ये देखो ज़ॉम्बी घूमने लग रहे हैं, और मुझे ना भाई और भी ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी फ़िलहाल के लिए, तो मैं ना थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, एक्सप्लोरेशन के लिए निकल पड़ता हूँ। इसके अंदर भी भाई मुझे ना कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, तो एक बार ऐसा करता हूँ, मैं इधर भी चीज़ों को सर्च मार लेता हूँ। जैसे कि ये गाड़ी के अंदर भाई मुझे कुछ काम की चीज़ें मिल सकती है, ये पाइप मिल चुका है मुझे, बढ़िया। और ये लाइट मिल चुकी है, ठीक है। इसमें भी भाई काफ़ी ज़्यादा मेरे को आयरन की चीज़ें मिल चुकी हैं, और ये स्टील भी मिल चुका है, बढ़िया। मैं चेस्ट जो उठा के लाया था वो कहाँ पर भाई? चेस्ट शायद मैं उठा नहीं पाया था। बाकी ये क्या चीज़ है, इसके अंदर मुझे ये मिल चुका है, ठीक है, हार पिक जैसी चीज़ है। ओके, तो यहाँ पे तो भाई काफ़ी ज़्यादा सामान है। ये सारे मरे हुए कॉर्न है, मतलब मक्के के उजड़े हुए खेत हैं ये। ये देखो डेड कॉर्न लिखा है इसके ऊपर, डेड कॉर्न है ये। लेकिन यहाँ पे ना भाई मुझे सामान देखो भर भर के मिल रहा है, और इसलिए भाई मैंने ना बेस इधर ही बनाया था, और ये सारी चीज़ें काम आएंगी। ये कॉटन के सीड है, कॉटन वगैरह हम उगा पाएंगे खुद से। और तो भाई कोई काम की चीज़ मुझे नहीं दिख रही, इनके अंदर भी जाके देख लेते हैं। कैबिन टाइप की चीज़ें बनी हुई है, इसमें तो कुछ नहीं है। और मेरा ना भाई कुछ कम हो रहा है आई थिंक, पानी वगैरह इसको मुझे शायद पिलाना चाहिए, क्योंकि नीचे भाई मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ब्लू वाला शायद वाटर लेवल है इसका, जबकि ग्रीन वाला इसका हंगर लेवल है। तो मैंने इसको कुछ खिला के भी देखता हूँ, शायद इसका हंगर लेवल ठीक हो जाएगा उससे। हाँ ठीक है भाई, धीरे धीरे बढ़ रहा है वो, बढ़िया। और उससे ना मेरी हेल्थ वगैरह भी बढ़ रही है, ठीक है, थोड़ा सा ये तेज भी भाग रहा है। और मैंने ना आई थिंक ज़्यादा सामान उठा लिया, तो मुझे ना भाई चेस्ट वगैरह बना के अपना बच्चा कुचा सामान ना इधर रख देना चाहिए। चलो बढ़िया भाई, स्टोरेज बन चुका है, इसको यहाँ रख देते हैं। और अपने बेड को भी भाई मैं ऐसा करता हूँ, चलो इधर ही बिछा लेता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर ना भाई मैं ऐसा करता हूँ, जो भी मुझे जैसे कि स्टील मिला है इसको रख देते हैं, जितने भी सीड वगैरह मिल रहे हैं उनको भी मैं जमा देता हूँ इसी के अंदर, क्योंकि जब हम खेती करेंगे ना तभी इनका यूज़ होने वाला है, पाइनएप्पल सीड वगैरह। और जिन चीज़ों के बारे में मुझे पता नहीं उनको भी मैं इधर ही रख रहा हूँ। रोटन फ्लैश, रोटन फ्लैश से शायद हम ना कोई हथियार बना सकते हैं, एक बार मैं देख लेता हूँ इसमें जाके। मुझे क्या बनाना था, बोन नाइफ, इसके लिए बोन चाहिए। बोन तो है मेरे पास भाई, एक सेकंड इसको यूज़ करते हैं। ये रही बोन, पता नहीं मुझे ये कहाँ मिली थी, लेकिन ठीक है बोन नाइफ मैं बना लेता हूँ, पक्का ये कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। इसके अलावा मेरे को पाइप चाहिए, लेकिन लेदर नहीं है मेरे पास। और पिस्टल के लिए चाहिए ग्लू, वुड और शॉर्ट आयरन पाइप। तो आयरन पाइप मिल चुकी है, वुड है ही, ग्लू मुझे चाहिए, उसकी मदद से ना शायद हम पिस्टल बना पाएंगे। तो ठीक है, थोड़ी सी ना स्केवेंजिंग पे मैं और निकल जाता हूँ, मुझे शायद कोई और चीज़ें भी मिल जाएंगी। और बेड से ना ये फ़ायदा है कि मैं वहीं पर फिर से स्पॉन हो सकता हूँ। और ये चीज़ों को मैं यूज़ कर सकता हूँ क्या? नहीं यार, इन चीज़ों को शायद मैं यूज़ तो नहीं कर सकता, पता नहीं मैं क्यों तोड़ रहा हूँ। ये सीड वगैरह मिल रहे हैं मुझे, ठीक है। और अभी ना पहला ही दिन है, 8 बज चुके रात के, तो बोन नाइफ ले लेते हैं हाथ में और चलते भाई थोड़ा सा और जंगल के अंदर। मैं ना भाई आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें बना सकता हूँ इसके अंदर, हम बहुत चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कि ये स्लीपर बना लेता हूँ, ठीक है भाई, इससे ना शायद मैं तेज़ चल पाऊँगा। ये एक हेलमेट वगैरह भी बना लेता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसके लिए ना भाई लकड़ी चाहिए, लकड़ी की कमी पड़ चुकी है। ठीक है भाई, अब फिर से चलते हैं इसके अंदर, इसको बना लेते हैं, ठीक है, बढ़िया। और मैंने भाई ज़्यादा सामान डाल के नहीं आया, मेरे को सामान थोड़ा ज़्यादा डाल के आना चाहिए था। हेलमेट पहना देता हूँ, स्लीपर्स भी पहना देता हूँ। अब मुझे ना शायद इसके लिए ग्लव्स बनाने हैं, इसको भी बना लेते हैं, ठीक है, बढ़िया। ठीक है भाई, काम हो चुका है। और यहाँ पर भी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे कि आयरन पाइप, ठीक है भाई, आयरन पाइप मिल रहा है ना, बढ़िया। मुझे बस ग्लू की तलाश है, ग्लू मिल जाएगा ना जैसे ही मैं पिस्टल बना लूँगा। और हम ये क्या मिल रहा है मुझे, कॉर्न मिल चुके, ठीक है, खाने पीने की चीज़ें काफ़ी मिलती जा रही हैं, बढ़िया। कोई एबेंडेंट घर मिल जाएगा ना, कोई छोड़ा हुआ घर किसी का, या फिर गाड़ी। ओ भाई, जैसे ही मैंने गाड़ी का नाम लिया ना, गाड़ी मिल चुकी है मुझे। और 7 दिन हमें सर्वाइव करना है कैसे भी करके जंगल के अंदर, भाई ये हमारा मेन टारगेट होने वाला है। तो पहला दिन तो भाई अच्छे से निकल जाए। ओ
मुझे ग्लू मिल चुका है भाई और डक टेप भी मिल चुका है, ठीक है। तो मैं बिना किसी देरी के भाई अपने लिए बनाने वाला हूँ एक पिस्टल, जो कि बनेगी 6 वुड चाहिए मुझे, तो ठीक है वुड तो मैं इकट्ठी कर सकता हूँ यहाँ से, आई थिंक हो गई होगी। और अब भाई मैं पिस्टल को बनाने जा रहा हूँ, ठीक है भाई। पिस्टल बन के हमारी रेडी हो चुकी है, हो जा जल्दी 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 हो जा, 3 सेकंड 4 सेकंड 2 सेकंड 1 सेकंड और पिस्टल बन के रेडी। इसको मैं रख लेता हूँ अपने स्लैश हैमर की जगह पे, नहीं नहीं स्लैश हैमर की जगह पे नहीं भाई, स्लैश हैमर का तो यूज़ है, इसको ना मैं यहाँ रख लेता हूँ, ब्लॉक्स को यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। और पिस्टल के अंदर सिर्फ एक ही एमओ है, लेकिन यार एमओ बनाने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। मेरे भाई दिमाग में नहीं आ रही चीज़ कि चलो पिस्टल तो मैंने बना ली, लेकिन इसका एमओ मैं कैसे बनाऊंगा यार, क्योंकि एमओ सिर्फ मेरे पास एक ही है। या तो मुझे एमओ इसकी ढूंढनी पड़ेगी, या फिर भाई कोई और ही चक्कर है। थोड़ा सा ऐसा करते हैं, जंगल के अंदर और चलते हैं। इधर भाई पानी है, एक सेकंड पानी मैं शायद पी सकता हूँ, और ज़ॉम्बी घूमने लग रहा है सामने, लेकिन इससे मुझे बच के रहना है। पानी के अंदर हम तैर सकते हैं, ठीक है, पीने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। पिस्टल आ गई ना भाई, थोड़ी हिम्मत सी मिल रही है, मतलब भाई पिस्टल आएगी तो किसी की भी खोपड़ी खोल देंगे। एक सेकंड में ना और देख लेता हूँ कोई और चीज़ मेरे काम की, जैसे कि बाल्टी है, पेंट ब्रश है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, ये तो मैं बना लूँगा बाद में। ये स्कोप के अंदर बाइसिकल, हम साइकिल बना सकते हैं भाई अपने लिए। मैकेनिकल पार्ट्स चाहिए, बाइसिकल का हैंडल चाहिए, ठीक है ठीक है, व्हील्स वगैरह चाहिए, ठीक है भाई। चीज़ें मिलेंगी ना तो हम साइकिल वगैरह भी बना लेंगे अपने लिए, उससे ना ये होगा कि एक सेकंड भाई मुझे ना ज़ॉम्बीज की आवाज़ आ रही है, आई थिंक ये ना थोड़े से तेज़ होते जा रहे हैं जैसे जैसे रात हो रही है, या फिर भाई मैं फालतू में ज़्यादा सोच रहा हूँ। मैं थोड़ा और अंदर चलता हूँ सड़क की तरफ। मेरा घर किधर है यहाँ से? मेरा घर है वो रहा, और मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ, मैप भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। साइकिल बन जाएगी ना भाई तो हमारी काफ़ी एनर्जी बचेगी, मतलब हम पैदल चल चल के जो जा रहे हैं ना भाई, उससे हम काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बचा सकते हैं और तेज़ भी जाएंगे। तो मुझे भाई कैसे भी करके साइकिल बनानी होगी अपने लिए जल्दी से जल्दी। ओके भाई ये वाला जो भी कितना तेज है, लेकिन यार इसके अंदर पिस्टल ही नहीं है, शिट, मैं जो बैंडेज लगानी होंगी। स्लेज अमर कहाँ है? आ जा, मर गया। ओ भाई ये ज़ॉम्बी कितना तेज था, लेकिन फाइनली मैं कोई अच्छी जगह पे आ चुका हूँ और मेरी हेल्थ भी ठीक ही है। इधर से मेरे को कपड़े मिल चुके हैं, कपड़ों की मदद से ना शायद मैं अपने लिए बैंडेज बना सकता हूँ, क्योंकि बैंडेज का काम पड़ेगा भाई। यार बैंडेज बनाने के लिए अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है, एक सेकंड, मैं आज की रात ना शायद इसके अंदर बिता सकता हूँ, इसको मैं लगा लेता हूँ, क्योंकि रात का अंधेरा भाई, इसको पहले निपटा देता हूँ, ठीक है। ओह भाई ये इसके अंदर क्या कर रहा है भाई, मैं मर गया। बैंडेज बना, नहीं 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 नहीं, नहीं। मर गया भाई, मर गया, लेकिन मेरी हेल्थ देखो बहुत जल्दी जा रही है। इसको बनाने के लिए मुझे मेडिकल के लिए कुछ चाहिए होगा, एक सेकंड रिसोर्सेस, ठीक है सारे अनलॉक कर लिए। अब देखता हूँ बैंडेजेस बनाने का ऑप्शन, 50 हेल्थ रह गई है, लेकिन अच्छी बात है भाई, मेरी हेल्थ रुक चुकी है। मैगजीन वगैरह क्यों मिल रही है? मुझे लगता है रात के टाइम ना ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाई ये तेज़ थे, और रात का टाइम हो चुका है, 10:30 बज चुके हैं। पहला दिन भाई जैसे तैसे हमारा ये निकल रहा है, और मुझे सही में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है भाई। दरवाज़ा तू लगी जा दरवाज़ा, ठीक है। बैंडेज बना के देख लेता हूँ भाई, बैंडेज तो ठीक है भाई। मुझे ना ये दो चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी, राइट साइड कॉर्नर में आपको दिख रहा है जो एलोवेरा है शायद, और लकड़ी जैसी कोई चीज़ है, उनको अगर मैं ढूंढ लूँगा ना तो शायद बैंडेज बना पाऊँगा खुद के लिए। लेकिन फिलहाल ना भाई मुझे लग नहीं रहा रात का टाइम बाहर निकलने के लिए सेफ है, क्योंकि भाई रात के ना ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं, और 12 बजते ही एक सेकंड मैं ऐसा करता हूँ थोड़ी सी दूरी पर जाके देखता हूँ, शायद मैं सेफ रहूँ। आयरन के चीज़ें मिल रही हैं, ये वाली गाड़ी शायद मैंने नहीं देखी थी, एक सेकंड। इसके अंदर मेरे को डक टेप मिल रहा है भाई, मेरी इन्वेंट्री ना बहुत ज़्यादा फुल हो चुकी है, मुझे सामान को ना वापस जाना होगा छोड़ने के लिए। और सामने ही देखो भाई ज़ॉम्बी, यू आर हंग्री, योर मैक्सिमम स्टेमिना इज़ रिड्यूस्ड, तो ठीक है। एक सेकंड पहले इसके अंदर चल ले भाई। भाई अजीबो गरीब आवाज़ आ रही है भाई, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। मुझे भाई सुबह होने का वेट करना ही पड़ेगा, मैं सही बता रहा हूँ भाई, रात के टाइम इस गेम को हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पास एडवांस वेपन भी नहीं है। एलोवेरा वगैरह ढूंढ के भाई बैंडेज का जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 53 हेल्थ है भाई, इतने में मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। तो पहले ऐसा करता हूँ इसको कुछ खिला देता हूँ, रॉ मीट ही खिला देते हैं। और ये क्या किया मैंने, कांच तोड़ लिया खुद से ही।
लेकिन शायद वो नहीं आ पाएंगे इसके अंदर से। बढ़िया भाई, आज की रात तो हमें बितानी ही पड़ेगी इसके अंदर, और डे वन भी भाई हमारा ख़त्म होने वाला है सिर्फ 3, 2, 1 और 0। ठीक है भाई, डे टू स्टार्ट हो चुका है जिसको हम कवर करेंगे अगले एपिसोड में। बाकी भाई आपको आज की वीडियो कैसी लगी? मुझे तो भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, और जितना डे वन ईजी था ना भाई, डे टू उतना ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि जोम्बीज और भी ज़्यादा अग्रेसिव होंगे और हम रात के टाइम भी सर्वाइव करना सीखेंगे, जो कि भाई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। अपनी गंद के लिए एमओ खोजना शुरू करेंगे या फिर बनाना शुरू करेंगे, और भी भाई बहुत कुछ करेंगे लेकिन आने वाले एपिसोड में। बाकी भाई कमेंट जरूर करना, एक लाइक ज़रूर करना, मेरी थोड़ी सी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी हो तो, और थोड़ा सा वेट करना, मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए सबको बाय।